अरविंद केजरीवाल कोई खुदा नहीं है, कहां गया वो 6000 मार्शल आर्ट। मैं जनता को अंधेरे में रखकर काम नहीं कर सकता। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हिंदुस्तान न्यूज डेली की चुनावी यात्रा पहुंची है दिल्ली के कन्नाट प्लास इलाके में। यहाँ पे हम आपको मुलाकात करवाएंगे नेताजी चाय वाले से। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को भी स्वागत है जो हमारे छोटे से शॉप में बाबा के चरणों में सेवा का मौका दिए हैं। सर, कैसे चल रही है आपकी राजनीति की तैयारी? हमारी राजनीति की तैयारी, दिल्ली हमारा दिल है, दिल्ली ने हमको सब कुछ दिया है और दिल्ली के धड़कन में हम रह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने मुझे इस लायक बनाया है और दिल्ली का एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो है नई दिल्ली विधानसभा में दिल्ली ने इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर की है जो इस लायक बनाया है, इसीलिए दिल्ली के जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे लायक भी बनाए जो दिल्ली का कर्ज मैं उतार सकूँ। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले, तो कितना दिक्कत आने वाली है क्योंकि उस सीट से हमें जितना ज्ञात हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी लड़ने वाले। देखिए, अरविंद केजरीवाल कोई खुदा नहीं है, उसने भी माँ के कोख से पैदा लिया, मैंने भी माँ के कोख से पैदा लिया। जितना अधिकार उसको है मैदान में लड़ने का उतना अधिकार मुझे भी है और मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ के विधायक हैं। लेकिन हमारा ये विधानसभा सीट का दशा और दिशा देखिए क्या है। ये देखिए हाई लैब मास्टर, एक साल हो गया इसका जो आज तक इनने कभी बनाया नहीं। वो कहते जगमगाता दिल्ली, चमचमाता दिल्ली और अंधेरे में हनुमान जी की मंदिर, ये बाथरूम है यहाँ पे जो भक्तों को पेशाब करने का जुगाड़ नहीं है, तो कैसे है ये इसकी विधानसभा की चित्र? क्या उम्मीद करते नकली टोपी वाले से आप? मैं हूँ असली चाय वाला, मैं हूँ असली टोपी वाला, मैं हूँ नई दिल्ली का असली सेवादार। मुझे लोग चुने, मुझे लोग च्वाइस करे और लोग उम्मीद करें। मैं कोई आश्वासन जनता को नहीं दूंगा। कहाँ गया वो 6000 मार्शल आर्ट, कहाँ गया वो 5000 बसे, कहाँ गया 2000 मोहल्ला क्लिनिक? आप जैसे कि आप मानते हैं कि चाय और राजनीति का पुराना नाता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहले चाय से उन्होंने शुरुआत करी थी, तो कितना सच मानते हैं कि चाय का क्या अहम रोल होता है राजनीति में? देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर तुलना नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश के मान्य गाने लोग हैं, हम अपने क्षेत्र से तुलना करेंगे। हम रियल चाय वाला हूँ और मैं हूँ चाय वाला, ये सब सभी जानते हैं। और देश के 29 राज्य हैं, जो किसी राज्य में ऐसा नहीं है जो मेरे 50 क्लाइंट नहीं होंगे। और मैं हनुमान जी के सच्चे सेवादार हूँ। मैं दिल्ली के जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों के और पार्टियों के झांसे में ना आए और शत्रुघ्न गुप्ता को, प्राचीन हनुमान मंदिर कनाट प्लेस के सेवादार को ऐसा सेवा करने का मौका दे कि ये दूसरा चाय वाला विधानसभा का सेवादार हो और उससे अच्छी सेवा कर पूरे विश्व को संदेश दे कि इस लायक ये चाय वाला रियल चाय वाला है। उसको किसने देखा चाय बेचते हुए? मुझे पूरा हिंदुस्तान देख रही है। और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता की मेहरबानी है और दिल्ली ने मुझे सब कुछ दिया है। दिल्ली मेरा माई बाप है, दिल्ली से मैंने सब कुछ सीखा है, दिल्ली से हर जमीन मुझे मिली है, दिल्ली की जनता ने मुझे नेता के लायक बनाया है और दिल्ली की जनता मुझे नेताजी चाय वाला बोलते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता की मेहरबानी होना चाहिए कि किसी भी पार्टी के नेताओं के झांसे में ना आए और ये मजदूर नेता को अपने विधानसभा क्षेत्र का सेवा करने का मौका दें। और मेरा कोई वादा नहीं, कोई कंडीशन नहीं होगी। मैं विधानसभा का नेताओं से और विधानसभा के जनताओं से कहूंगा कि इस गरीब आदमी को लाओ और अपने हक का हकदार बनो। अगर आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर ना चला तो मेरा इस दरबार में सेवादारी जिंदगी की धिक्कार होगी। मैं वो नकली टोपी वाला नहीं हूँ, मेरा जमीन पे बैठा हूँ, मेरा जमीन बहुत ताकतवर है और मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी का भी लाज रखना हो तो हम जैसे व्यक्ति को लाए। सर, जैसे कोई भी इलेक्शन कैंपेन के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके कोई काम होते हैं, आप क्या काम करेंगे? देखिए, मैं जनता को अंधेरे में रखकर काम नहीं कर सकता। मैं सच्चा सेवादार हूँ इस दरबार का। मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ और न मैं कोई MP हूँ और न कोई मैं विधायक हूँ। मैं जैसे एक फ्री वाली आजकल ज्यादा चल रही है दिल्ली में, फ्री सेवा। मैं दिल्ली का जनता से कहता हूँ, साफ चाहिए या माफ चाहिए या देश में निकम्मा गिरी चाहिए, क्या या लोगों को हराम की चाहिए? मैं जनता से कहता हूँ कि अगर बस का सेवा उसने किया भी तो 1 रुपया टिकट रख देता। हाँ, आज ये कह रहा था केजरीवाल, क्या कह रहा था कि 5000 बसें हैं DTC की। आज से 4 महीना पहले कितने घाटे में DTC चल रही थी, घाटे में है? और उसको फ्री क्यों नहीं किया? उसकी अगर वो देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो मेट्रो क्यों नहीं फ्री किया उसने? हमारे लिए क्या किया बटरी वालों के लिए? नई दिल्ली की बटरी वालों को उनने फ्री
कॉर्पोरेशन और आम लोगों से जूता खाने के लिए छोड़ दिया। मैं क्या उम्मीद करूंगा अपने मुख्यमंत्री से, क्या उम्मीद करूंगा अपने विधायक से जो अपने विधानसभा का एक लाइट नहीं चला सका, हाईलाइट एक साल हो गए ने हनुमान मंदिर का सेवादारी में एक बाथरूम नहीं बना सका ढंग से, और कहता है चमचमाता दिल्ली जगमगाता दिल्ली और हनुमान जी के तले अंधेरा। मैं नहीं मानूंगा ऐसे नेता को, ऐसे झूठे असौदान में अंधेरे में केजरीवाल के झांसे में। क्या दिल्ली में लोग मर गए हैं, क्या दिल्ली में जनता मर गई है, क्या बाहर से मंगा रहा है 5000 प्रचारक को, क्या जिंदगी में दिल्ली में जनता इस लायक नहीं है क्या? मैं जनता से अपील करता हूं कि जनता आप पार्टी पॉलिटिक्स के अंधेरे में मत रहो, अपने समाज का एक छोटा सा सेवादार को चुनो जो आपके चरणों में बैठा है। तो ये थे नेताजी चाय वाले, कनाट प्रेस से विक्रम की रिपोर्ट, कैमरा में रितेश के साथ, धन्यवाद।